अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है, जहां पुलिस ने सैकड़ों लीटर नशीली सिरप व टेबलेट दवाई तस्करों से बरामद की है। बस्तर की बोधघाट पुलिस ने अवैध नशीली कैप्सूल व सिरप के तस्करी करने वाले गिरोह के 5 तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने नया मुंडा क्षेत्र के अवैध नशीली कैप्सूल व सिरप का संग्रहण कर तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शहर में नशीली दवाइयों का संग्रहण कर विक्रय करने वालों को घेराबंदी कर धर दबोचा है। पुलिस ने नशीली दवाई के तस्करों से लाखों की दवाइयां जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने 5 दवाई तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय में पेश किया है। साथ ही इस मामले में फरार एक आरोपी की खोजबीन जारी है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि शहर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध और प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का संग्रहण और तस्करी किया जा रहा है। सूचना पर निरीक्षक लालजी सिन्हा और धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम तक्षक माने सम्यक नहटा, हरीश सोनी, विवेक शर्मा और रितेश सिंह, सभी निवासी जगदलपुर होना बताया गया, जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास जो है प्रतिबंधित नशीली सिरप मोनोकाफ 11 सोना, जिसकी कुल मात्रा 110 लीटर है, इसके अलावा प्रतिबंधित कैप्सूल पिवान स्पास प्लस 12,000 नग जो है बरामद किया गया है। और आरोपियों से पूछताछ पर उनके पास जो है उक्त प्रतिबंधित और नशीली दवाई रखने के संबंध में किसी प्रकार का कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपियों का उक्त कृत्य जो है NDPS एक्ट की परिधि में आने पर सभी के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 21 NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 110 लीटर जो है मोनोकाफ सिरप एवं 12,000 नग पिवान स्पास प्लस कैप्सूल, एक ऑटो, एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल, साथ में 7 नग मोबाइल और 20,000 रुपये नकद बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में 5 आरोपियों को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है एवं मामले में जबशुदा नशीली जो दवाइयां हैं उनकी जो कुल कीमत है 4,57,600 रुपये आंकी गई है। यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है।